नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आप ये गाय देख पा रहे हैं, इस गाय के पिछले पैर में कुछ दिक्कत है जिसके कारण वो लंगड़ा के चल रही है। अगर इस तरह का दिक्कत समस्या आता है तब हम जो है इसका देसी इलाज क्या कर सकते हैं और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये किसान सवाल पार्ट 136 है। आपके भी कोई सवाल है तो आप भी अपने वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो किस तरह से भेजना है आपको लास्ट में बताया जाएगा। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि लंगड़ा कर चलने का कई कारण हो सकता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यही एक कारण होगा, इसमें कई कारण हैं और इससे कई इलाज भी हैं। पहले हम कारण की बात कर लेते हैं। जैसे कि ऐसा भी देखा जाता है कि हमारी पशु जहां पर बांधी जाती है वहां पर जैसे उठने बैठने में या उठते समय गिर गई हो या पैर किसी तरह फिसल गया हो, इसके कारण भी उसे मोच आ सकती है, इसके कारण भी वो लंगड़ा कर चल सकती है। और भी ऐसा देखा जाता है जैसे खुरी के अंदर कोई कंकड़ नोकीला चीज है घुस गया हो या कील घुस गई हो, ऐसे तमाम प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो हमें जो उसके खुरी को भी चेक कर लेना है कि कहीं उसके जिस पैर में लंगड़ा रही है उस पैर के खुरी में कहीं कुछ घुस तो नहीं गया है, कहीं कुछ चुभ तो नहीं गया है जिसके कारण हमारी गाय लंगड़ा रही है। अगर किसी कारण पर जैसे कि चराई पर छोड़ा जाता है, उस समय अगर किसी जगह ऊंच खाल पर पड़ी हो उस समय भी पैर मोच खा सकता है या किसी कोई पशु भी मार सकता है, इसे मार देने की वजह से भी पैर में मोच आ गया हो, तो तमाम प्रकार से इसे मोच आ सकती है। अगर इसे मोच है तो उसके लिए हम अब देसी उपाय कर सकते हैं। किस तरह से, कौन सा उपाय कब करना है? जैसे अगर आपके पशु के जिस पैर में मोच आ गई है, जैसे आप देख पाएंगे इस पैर में आपको दिख रहा है हल्का से भचक के चल रही, यानी लंगड़ाते हुए चल रही है धीरे धीरे, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पशु का ऐसी समस्या दिक्कत है तो उस समय हमें क्या लेना है? तो आपको इसमें हम दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके का आप यूज कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है, आपको लेना है 200 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल लेना है, उसके साथ ही 50 ग्राम साधारण नमक जो हम खाते हैं अपने सब्जी दाल वगैरह में डाल करके, इसे जो है एक कड़ाही लेना है। उस कड़ाही में हमें 200 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम साधारण नमक को डालकर गर्म करना है। जब खूब गर्म हो जाता है तो उसको जो हमें नीचे उतार लेना है। नीचे उतारने के बाद जब हल्का गुनगुना रह जाए, बिल्कुल जलते हुए नहीं, हल्का गुनगुना हो जाए, जैसे कि हमारी पशु उस जो गर्म है उसको सह सके, ऐसी स्थिति में जिस पैर में उसको मोच है या लंगड़ा के चल रही है उस जगह पर आपको मालिश करना है, यानी कि घिसना है। ये जो उपाय करना है आपको सुबह में करना है, सुबह उठने के बाद, क्योंकि सुबह जो है इनकी मांसपेशियां मुलायम होती हैं, नरम होती हैं, उस समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पशुओं में ज्यादा काम करेगा और जो लंगड़ा के चल रही है वो ठीक हो जाएगा। ये तरीका आपको दो दिन अजमाना है। दो दिन आजमाने के बाद आपकी जो पशु है उसको बहुत अच्छी तरह से आराम हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका हम बात करते हैं, तो दूसरा तरीका आता है, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगा। 25 ग्राम नौसादर लेना है और 25 ग्राम ही सेंधा नमक, इन सबको बारीक ऐसे कर लेना है और 400 ग्राम लगभग पानी लेना है। उस पानी में इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है, उस सूती कपड़े को उस पानी में डुबो लेना है। डुबोने के बाद जिस पैर में आपके पशु के लंगड़ापन है, कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, कटली हो, पणिया हो, इस तरह की समस्या है, तो उस कपड़े को उस पैर में आपको सुबह ही इस्तेमाल करें, उसको मालिश करें उसी पानी से। तो इस तरह से आप जैसे करते हैं एक दिन, डेढ़ दिन या दो दिन के अंदर अंदर ही इससे राहत मिलेगा।
इसका उपयोग जो है आपको दिन में एक बार या दो बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का जो होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आप जो है सुबह जो है इसका रखें तो सुबह ज्यादा फायदा करेगा। तो एक दो दिन के अंदर अंदर आपकी जो पशु लंगड़ा कर चल रही है वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है, अगर हमारी पशु इतना करने के बावजूद भी अगर नहीं ठीक होती तब हमें क्या करना है। तब उस अवस्था में क्या है कि आपकी जो पशु लंगड़ा के चल रही है तो हो सकता है उसे और कोई समस्या हो, और कोई दिक्कत हो सकती है। तो उस अवस्था में आपको चाहिए कि आप अपने नजदीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करें, या शुरुआती में ही जैसे अगर ऐसा समस्या आ रहा है और आपको लग रहा है कि उसे और अन्य समस्या है तो आप शुरुआत में ही जो है अपने नजदीकी पशु डॉक्टर को दिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमारी पशु में और भी अन्य कारण की वजह से, या नस वगैरह कहीं दब गई हो, या नस में और कोई ज्यादा दिक्कत समस्या हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लापरवाही नहीं करना है, अपने नजदीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपके भी कोई वीडियो हैं तो आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि हमारे जो भी पशुपालक हैं उन्हें उनके पशुओं में अनेकों प्रकार की दिक्कत समस्या आती है, जैसे बार बार रिपीट होना, बार बार हिट में आना, लंगड़ापन आना, या पशु के चोट लग जाना, या तमाम प्रकार की दिक्कत समस्या देखने को मिलती है। कुछ ऐसे भी पशु हैं कि बच्चा समय ज्यादा हो गया है फिर भी नहीं कर रही है, काफी दिक्कत समस्या देखने को मिलने लगता है, तो हमारे जो पशुपालक है वो घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपना वीडियो भेजना है तो किस तरह से भेजना है ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि जो भी वीडियो भेजना है लगभग 1.5 से 2 मिनट का वीडियो भेजें। ऐसा देखा जाता है कि कुछ पशुपालक वीडियो भेजते हैं तो बहुत ही छोटा वीडियो भेज देते हैं, 2-10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का, तो उस वीडियो में काफी दिक्कत समस्या आती है। तो ऐसे वीडियो को हम भी छोड़ देते हैं, नहीं जवाब देते हैं। तो जो भी वीडियो भेजना है 1.5 से 2 मिनट की वीडियो भेजना है और साफ सुथरा वीडियो होना चाहिए, और उसी का पशु का जो है 3 से 4 फोटो, आप कहाँ से हैं वो भी लिख देना है, आपका नाम क्या है, आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं, ये लिखना न भूलें। फिर आपका जैसा भी सवाल होगा उसी तरह से आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू सन भाई वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें।